भाई अपने कोटे का, और ये रामपुर दड़ियाल सुपर लीग का ये पहला ओवर, और राहिल ने पहली गेंद पर उठाकर मारा है, पीछे फील्डर मौजूद, और पहली गेंद पर आउट होते हुए राहिल, पहली गेंद पर अपना विकेट गवा दिया है राहिल ने। राहिल के रूप में साउथ अफ्रीका को लगा ये पहला झटका, बहुत बड़ा झटका है भाई, ये साउथ अफ्रीका को पहला झटका लग चुका है। अच्छी बॉल, और राहिल के आउट होने के बाद अब बल्लेबाज आए हैं संदीप, ये भी बहुत अच्छे बल्लेबाज हैं, काफी अच्छी बॉल थी यहाँ, और संदीप ने आसानी से सिंगल रन पूरा किया, और इसी के साथ साउथ अफ्रीका टीम का खाता खुलता हुआ। और मैं बता दूं आपको, पहली ही बॉल पर विकेट गिर चुका है साउथ अफ्रीका का राहिल के रूप में, जो कि बहुत बड़ा झटका है इस टीम को। और अच्छा शॉट, और फैजान के बल्ले से निकला ये पहला चौका, गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर, चार रन। इसी चार रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंचा है 5 रन। एक बार फिर से, और फिर से अच्छी बॉल थी और उसे खोद कर निकाला फैजान ने। इसी एक रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंचा है 6 रन इनिंग का ये पहला ओवर, और साउथ अफ्रीका को पहली बॉल पर झटका लगा है राहिल के रूप में। मैदान पर खेले जा रहे हैं इस क्रिकेट टूर्नामेंट का ये 5वां मुकाबला, और फिर से संदीप ने यॉर्कर कर बॉल थी उसको खोद कर निकाला, और इसी एक रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंचा है 7 रन इनिंग का ये पहला ओवर जारी जिसको अंजाम दे रहे हैं। भाई बॉलर नेम क्या है? हैं मेजाद, बॉलर नेम है मेजाद। एक बार फिर से मेजाद, और स्ट्राइक पर होंगे फैजान। और उठाकर मारना चाहते थे, और सामना कर रहे हैं, स्ट्राइक संभाले हुए हैं, और इनिंग का दूसरा और अपने कोटे का पहला ओवर लेकर आए हैं रेहान। सामने होंगे संदीप, और काफी शॉर्ट ऑफ लाइन बॉल, और गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर, और एम्पायर का इशारा वाइड, और ये वाइड का पंजा मिलता हुआ यहाँ पे। इसी 5 के साथ स्कोर बढ़कर पहुंचा है 13 रन इनिंग का ये दूसरा ओवर जिसको अंजाम दे रहे हैं रेहान। एक बार फिर से रेहान संदीप के लिए, और काफी अच्छी बॉल थी है रेहान की, समझ नहीं पाए संदीप, बैट और बॉल का कोई संपर्क नहीं। जबकि पारी का दूसरा ओवर फेंका जा रहा है सुल्तान क्रिकेट क्लब की तरफ से रेहान द्वारा। रेहान एक बार फिर अपने बॉलिंग मार्क पर, और नन्हे नन्हे कदमों से चले, और एम्पायर को क्रॉस किया उनकी ये गेंद। और संदीप फिर से इस बॉल को उड़ाना चाहते थे, पर बैट और बॉल का कोई संपर्क नहीं। बाकी का पूरा काम किया विकेट कीपर, काफी अच्छी भूमिका निभा रहे हैं। मैं नाम से परिचित नहीं हूँ, तो इसलिए एक खिलाड़ी अगर अपना कमेंट्रेटरी बॉक्स में भेज दे तो थोड़ा सा कमेंट्रेटरी करने में मजा आएगा। और मेरे साथी स्कोरर बता रहे हैं संदीप काफी अच्छी स्कोरिंग यहाँ पर कर रहे हैं, मैं नाम से परिचित नहीं हूँ। एक बार फिर से रेहान, सामने होंगे संदीप, और आसानी से खेला उसको लॉन्ग ऑफ की दिशा में संदीप ने, इसी एक रन के साथ स्कोर हुआ है 13 और इनिंग का ये दूसरा ओवर है, एक विकेट खो चुका है साउथ अफ्रीका अपना। खिलाड़ी का नाम बता दे जो मैन स्ट्राइक का बॉल हुआ इस टाइम, खिलाड़ी का नाम एक बार फिर से रेहान, सामने होंगे फैजान, और काफी खराब बॉल, वाइड बॉल, इसी वाइड के साथ स्कोर बढ़कर पहुंचा है 14 रन। और फैजान फिर से उठाकर मारना चाहते थे, फिर से बैट और बॉल का कोई संपर्क नहीं। स्कोर अभी भी 13 रन के स्कोर पर रुका हुआ, तो मैन स्ट्राइक जो संभाले हुए हैं मिस्टर फैजान काफी बार बार बीट हो रहे हैं, समझ नहीं आ रहा है उनको खेलना कहाँ है,
और अच्छी गेंदबाजी का मुजाहरा देखने को मिल रहा है दर्शकों को। किसी भी एम्पायर को चौकी आउट और फिर से काफी शॉर्ट लाइन बॉल थी और एम्पायर का इशारा आउट और साउथ अफ्रीका को लगता हुआ ये दूसरा झटका, बहुत बड़ा झटका है ये फैजान के रूप में लगता हुआ दूसरे ओवर में दूसरा झटका। रेहान को मिली अपने पहले ही ओवर में सफलता। साउथ अफ्रीका का स्कोर हुआ है 14 रन पर 2 विकेट। अपना व्यक्तिगत पहला और पारी के लिए दूसरा ओवर कर रहे हैं और नए बैट्समैन को अपना नाम से अवगत करा दे। तो नए बैट्समैन घड़ियाल क्रिकेट क्लब की तरफ से लेफ्ट हैंड बल्लेबाज शायद मुझे लग रहे हैं फुरकान। धन्यवाद नाम बताने के लिए। और फुरकान जैसा कि हम बता रहे थे लेफ्ट एक बार फिर से रेहान सामने होंगे फुरकान। पहली गेंद का रेहान काफी अच्छी गेंदबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं इस क्रिकेट क्लब के दिवसीय क्रिकेट टूर्नामेंट में। रेहान चले एम्पायर को क्रॉस किया उनकी और काफी अच्छी बॉल स्लोअर बॉल थी है जिसको समझ नहीं पाए फुरकान। बैट और बॉल का कोई संपर्क नहीं। स्कोर अभी भी 14 रन। दो ओवर की समाप्ति पर स्कोर हुआ है 14 रन 2 विकेट के नुकसान पर। और इनिंग का तीसरा और अपने क्वार्टर का पहला ओवर लेकर आए सलीम। सामने होंगे संदीप। संदीप चले अपनी पहली बॉल लेकर और काफी अच्छा शॉट हेलीकॉप्टर शॉट था ये संदीप का और इसी एक रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंचा है 15 रन। इनिंग का ये तीसरा ओवर जारी जिसको अंजाम दे रहे हैं सलीम। तीसरा ओवर बॉलर नाम क्या है भाई? बॉलर अपना नाम बता दे। एक बार फिर से सलीम फुरकान अपने और फुरकान ने खेल दिया है सीधा शॉट। सिर्फ एक ही रन मिल पाएगा। इसी एक रन के साथ स्कोर पहुंचा है 16 रन। इनिंग का ये तीसरा ओवर एक बार फिर से और फिर से स्लोर वन बॉल थी जिसको समझ नहीं पाए संदीप। काफी पहले ओवर से बल्लेबाजी कर रहे हैं संदीप। अभी तक कुछ खासा लय में नजर नहीं आए। एक बार फिर सलीम सामने होंगे संदीप और काफी खराब बॉल और उसने इतना ही दूर फेंक दिया है बॉल को संदीप ने। बहुत ही लंबा छक्का है ये लगभग 100 मीटर का ये छक्का है। इसी 6 रन के साथ स्कोर हुआ है 21 रन। एक बार फिर से सलीम सामने होंगे संदीप और फिर से शॉर्ट बॉल थी। इसको भी वहीं फेंक सकते थे इस बॉल को पर बैट का अच्छे से संपर्क नहीं हो पाया। सिर्फ एक ही रन मिल पाया। इसी एक के साथ स्कोर बढ़कर पहुंचा है 22 रन। इनिंग का ये तीसरा ओवर जिसको अंजाम दे रहा है सलीम। एक बार फिर से सलीम सामने फुरकान और फुरकान ने खेल दिया है लेग साइड में और गैन बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन। पहला चौका फुरकान के बल्ले से निकलता हुआ ये पहला चौका। इसी 4 रन के साथ स्कोर बढ़कर हुआ है 26 रन 3 ओवर के बाद। इनिंग का चौथा और अपने कोटे का दूसरा ओवर लेकर आए हैं रेहान। सामने होंगे संदीप। दो विकेट खो चुके हैं साउथ अफ्रीका के और 2 विकेट खो चुका है साउथ अफ्रीका टीम। अपने आउट होने वाले बल्लेबाज हैं फैजान और राहिल जो कि दोनों ही अच्छे बल्लेबाज थे। काफी दूर दूर से खिलाड़ी आए हुए हैं इस मैच में। अच्छी बैटिंग करनी होगी। तीन ओवर बीत चुके हैं 28 रन हो चुके हैं साउथ अफ्रीका के। एक बार फिर से रेहान सामने संदीप और कट कर दिया है गेंद तेजी से बाउंड्री लाइन की तरफ और 4 रन। संदीप के बल्ले से निकलता हुआ ये पहला चौका। इसी 4 रन के साथ स्कोर हुआ है 30 रन। इनिंग का ये चौथा ओवर जिसको अंजाम दे रहे हैं रेहान।
15 रन हो चुके हैं साउथ अफ्रीका के, बहुत अच्छे खेल बैटिंग दिखानी होगी और सुल्तान क्रिकेट क्लब में भी अच्छी बॉलिंग करनी होगी। एक बार फिर से रेहान सामने संदीप, और फिर से पुल करना चाहते थे पर बैट का अच्छे से संपर्क नहीं हुआ अभी भी संदीप का। स्कोर अभी भी 32 रनों पर रुका हुआ, इनिंग का ये चौथा ओवर जिसको अंजाम दे रहे हैं रेहान। सामने होंगे संदीप, एक छक्का और एक चौका पहले ही लगा चुके हैं संदीप, और फिर से बहुत ही लंबा छक्का है ये लगभग 110 मीटर लंबा छक्का है, और इसी 6 रन के साथ स्कोर हुआ है 38 रन। अच्छी बल्लेबाजी करते हुए संदीप, दूसरा छक्का निकला है संदीप के बल्ले से। और इनाम आता हुआ संदीप के पास, इनामों की बौछार होती हुई। एक बार फिर से रेहान, सामने होंगे संदीप, और काफी अच्छी बॉल थी, बहुत ही तेज बॉल थी है, और ओवर थ्रो का एक रन मिलता हुआ है। इसी एक रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंचा है 39 रन। इनिंग का ये चौथा ओवर जिसको अंजाम दे रहा है रेहान, काफी अच्छी बॉल थी है। सुल्तान क्रिकेट क्लोजिंग पर भी अच्छी फील्डिंग करनी होगी, अच्छी बॉलिंग करनी होगी, जो मैच में रहना बच रहना है तो। एक बार फिर रेहान, और फिर से काफी अच्छी बॉल थी, उसे उतनी अच्छी तरह से खेला फुरकान ने। इसी एक रन के साथ स्कोर हुआ है 40, स्कोर हुआ है 40 रन। इनिंग का ये चौथा ओवर है जिसको अंजाम दे रहे हैं रेहान। सामने है संदीप, अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं संदीप, अब तक 2 छक्के लगा चुके हैं, दोनों ही काफी लंबे छक्के थे। एक बार फिर से रेहान, और फिर से संदीप ने उठाकर मारा है, पीछे फील्डर मौजूद और गेंद से काफी दूर, और इसी के साथ 4 रन मिलता हुआ है संदीप को। संदीप के बल्ले से निकला ये दूसरा चौका, 2 छक्के और 2 चौके लगा चुके हैं संदीप, इसी 4 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंचा है 44 रन। बाकी बचे रहना है तो सुल्तान क्रिकेट क्लब को अच्छी फील्डिंग करनी होगी। 4 ओवर और इनिंग का 5वां और अपने कोटे का 2रा ओवर लेकर आए हैं सलीम। सामने होंगे फुरकान, और काफी अच्छी और का लाइन बॉल थी है, और काफी खराब फील्डिंग, गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर, 4 रन। फुरकान के बल्ले से निकलता हुआ ये पहला चौका, इसी 4 रन की मदद से स्कोर बढ़कर हुआ है 48 रन। काफी खराब फील्डिंग देखने को मिली हमें यहाँ फील्डर द्वारा, लॉलीपॉप सी बॉल थी और उसको टांगों के बीच से निकाल दिया 4 रनों के लिए। बॉलर काफी नाखुश नजर आते हुए हमें, यकीनन बहुत अच्छी बॉल थी अगर फील्डिंग कर लेते तो। एक बार फिर से अपने ओवर में दूसरी मर्तबा होंगे सलीम, उनके सामने होंगे फुरकान, काफी अच्छे लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज हैं फुरकान, अब तक काफी सूझबूझ से बल्लेबाजी की है, और फुरकान ने उड़ा दिया है बॉल को लॉन्ग ऑन की दिशा में, पहला छक्का निकलता हुआ फुरकान के बल्ले से, और इसी 6 के साथ स्कोर बढ़कर पहुंचा है 54। और इनामों की बौछार होती हुई यहां पर, आप देख सकते हैं इनामों की बौछार, काफी इनाम आता हुआ यहां पर बल्लेबाजों के पास। एक बार फिर से सलीम, सामने होंगे फुरकान, और फिर से उठाकर मारना चाहते थे पर बैट और बॉल का कोई संपर्क नहीं। स्कोर अभी भी 54 रन। इनिंग का ये 5वां ओवर जिसको अंजाम दे रहे हैं सलीम, 2 बड़े झटके लग चुके थे पहले ही ओवर में, उसके बाद काफ़ी अच्छा पारी को संभाला है संदीप और फुरकान ने, दोनों ही अच्छी बल्लेबाजी करते हुए, दोनों ही बल्लेबाज, यकीनन ये दोनों पिच पर खड़े रहे तो बहुत बड़ा स्कोर खड़ा करेंगे ये 16 ओवर के इस मैच में, लगभग 200
20 या 30 रनों का स्कोर बना देंगे दोनों ही बल्लेबाज। एक बार फिर से सलीम, और फिर से उठाकर मानना चाहते थे। मैं बता दूं आपको, बिल्कुल पाटा विकेट है ये, सीमेंटेड विकेट है। यहाँ पर 200-250 रन आराम से चेज हो जाते हैं 16 ओवरों में, बॉलर चाहे कितने भी अच्छा हो। एक बार फिर सलीम, सामने है फुरकान, और फुरकान ने खेला है, कट कर दिया है गेंद को, और गेंद तेज़ी से बाउंड्री लाइन के बाहर, 4 रन। फुरकान के बल्ले से निकलता हुआ ये दूसरा चौका, इसी 4 रन की मदद से स्कोर हुआ है 59 रन। स्कोर हुआ है 59 रन इनिंग का ये 5वां ओवर, काफ़ी महंगे साबित होते हुए बॉलर सलीम। एक बार फिर से अपने ओवर में सलीम, सामने होंगे फुरकान, और फिर से अच्छा शॉट खेला है लॉन्ग ऑन की दिशा में, और उतनी अच्छी फील्डिंग फील्डर द्वारा, यकीनन 4 रन बचाए हैं ये अपनी टीम के लिए। फील्डर का नाम हमें पता नहीं है, बहरहाल बहुत अच्छी फील्डिंग की। 5 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर हुआ है 60 रन साउथ अफ्रीका का 2 विकेट के नुकसान पर। इनिंग का 6ठा और अपने कोटे का 3रा ओवर लेकर आए रेहान, सामने हैं फुरकान, और वाइड बॉल, एम्पायर का इशारा वाइड बॉल। इसी वाइड के साथ स्कोर हुआ है 61 रन। इनिंग का ये 6ठा ओवर है, स्कोर हुआ है 61 रन। भाई ये मैच हो रहा है दड़ियाल रामपुर, एक बार फिर से रेहान, सामने है फुरकान, और काफ़ी ख़राब बॉल थी है, उसको अंजाम तक नहीं पहुंचा पाए बल्लेबाज, और एम्पायर का इशारा वाइड बॉल। इसी वाइड के साथ स्कोर हुआ है 62 रन। इनिंग का ये 6ठा ओवर इसको अंजाम दे रहे हैं फुरकान, माफ़ कीजिएगा रेहान। और फुरकान ने फिर से कर दिया है फ्लिक शॉट, और गेंद तेजी से बाउंड्री लाइन के बाहर, 6 रन। फुरकान के बल्ले से निकलता हुआ ये दूसरा छक्का, इसी 6 रन की मदद से स्कोर हुआ है 68 रन। और काफी इनामों की बौछार होती हुई यहाँ बल्लेबाजों के ऊपर। बार बार मैच रोकना पड़ रहा है। एक बार फिर से रेहान, सामने फुरकान, ओ फिर से ख़राब बॉल थी, और अच्छी फील्डिंग वहाँ फील्डर द्वारा। स्कोर हुआ है 68 रन, माफ़ कीजिए 69 रन। स्कोर हुआ है 69 रन इनिंग का ये 6ठा ओवर जिसको अंजाम दे रहा है रेहान, और सामने है संदीप। दोनों ही बल्लेबाज काफ़ी आक्रामक बल्लेबाजी कर रहे हैं, संदीप और फुरकान। दो बड़े झटके लगने के बाद दोनों ने काफ़ी अच्छी तरह से टीम को संभाला है, और रेहान चले धीरे धीरे अपने कदमों से, सामने संदीप, और संदीप के एज लगता, और कैच आउट, काफ़ी अच्छा कैच थर्ड मैन पे खड़े फील्डर सानिप का, और ये लगता हुआ साउथ अफ्रीका को 3रा झटका संदीप के रूप में। और अब बल्लेबाजी करने के लिए आ रहे हैं संभल के नौशाद, संभल के धाकड़ बल्लेबाज नौशाद अब बल्लेबाजी करने आ रहे हैं। बहुत लंबे लंबे छक्के मारते हैं ये नौशाद, और संदीप का आउट होने के बाद बल्लेबाजी करने आए हैं संभल के बल्लेबाज नौशाद। काफ़ी ख़तरनाक बल्लेबाज हैं नौशाद, बहुत लंबे लंबे छक्के मारते हैं ये नौशाद। 3 झटके लग चुके हैं साउथ अफ्रीका को, और फिर से काफ़ी अच्छी बॉल रेहान की, और एम्पायर का इशारा वाइड बॉल। इसी वाइड के साथ स्कोर हुआ है 70 रन। इनिंग का ये 6ठा ओवर इसको अंजाम दे रहे हैं रेहान। एक बार फिर से नौशाद के लिए रेहान,
और काफी शॉर्ट ऑफ लेंथ बॉल, उसको कट कर दिया है रेहान ने। गेंद तेजी से बाउंड्री लाइन के बाहर, 4 रन। और आते ही चौके के साथ खाता खोला है रेहान ने। इसी 4 रन के साथ स्कोर हुआ है 74 रन। मैं आपको बता दूं, बहुत ही ख़तरनाक बल्लेबाज हैं रेहान संभल के, माफ़ कीजिए नौशाद, अगर ये खड़े रहे तो। ओके भाई, ज़रूर दिखाते हैं दर्शकों को, काफ़ी दर्शक हैं देख सकते हैं आप ग्राउंड में। भाई दो दो कैमरे चलाता हूँ इसलिए फोकस नहीं कर पाता। और फिर से कट की और शॉट गया है, और गेंद फिर से बाउंड्री लाइन के बाहर, फिर से चौका नौशाद के बल्ले से निकलता हुआ, ये दूसरा चौका। इसी 4 रन की मदद से स्कोर हुआ है 78 रन। इनिंग का ये छठा ओवर, स्कोर हुआ है 78 रन। काफ़ी महंगे साबित होते हुए इस ओवर में रेहान, और स्लोर बॉल थी है। 6 ओवर के बाद स्कोर हुआ है 78 रन, 3 विकेट के नुकसान पर साउथ अफ्रीका का। सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करते रहो। एक बार फिर से मसी सामने है फुरकान, और मसी चले फुरकान के लिए, और फुरकान ने उड़ा दिया है गेंद को, बहुत लंबा छक्का, और फुरकान के बल्ले से निकलता हुआ ये तीसरा छक्का। इसी 6 के साथ स्कोर हुआ है 84 रन। इनिंग का ये 7वां ओवर, 84 रन हो चुके हैं। दोनों ही बल्लेबाज अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं, फुरकान और नौशाद संभल। एक बार फिर से मसी सामने है फुरकान, और फिर से काफ़ी शॉर्ट ऑफ लेंथ बॉल थी, और पीछे फील्डर मौजूद, और कैच आउट, फुरकान के रूप में लग गया ये 4th झटका। बहुत बड़ा झटका है ये साउथ अफ्रीका टीम को। और मसी ने अपने पहले ही ओवर में बड़ा झटका दे दिया है साउथ अफ्रीका टीम को। फुरकान जो कि अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, फुरकान और पुल शॉट, गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर, एम्पायर का इशारा, 6 रन। राहिल ने छक्के से खाता खोला है, पहली गेंद पर आते ही छक्का मार दिया है राहिल ने। इसी 6 रन। एक बार फिर से मसी, और फिर से राहिल कट करना चाहते थे पर बैट और बॉल का कोई संपर्क नहीं। काफी अच्छी वापसी यहाँ मसी द्वारा। काफी अच्छी बॉल यहाँ, स्लो बॉल थी, उसको अंजाम तक नहीं पहुंचा पाए राहिल, अपने आप से काफी नाराज। सेव कर लिए यार, 12 तो कोई दिक्कत ना, 12 और फिर से खेल दिया है राहिल ने, पीछे फील्डर मौजूद, और 1 ही रन मिल पाएगा। इसी 1 रन के साथ स्कोर हुआ 91 रन। इनिंग का ये 7वां ओवर, बॉलर नेम और इनिंग का 8वां ओवर अपने कोटे का दूसरा ओवर लाए मेजाद, सामने है राहिल, और राहिल ने उठाकर मार दिया है गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर, एम्पायर का इशारा, 4 रन। इसी 4 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंचा है 95 रन। एक बार फिर से अपने ओवर में दूसरी मरतबा मेहजाद, सामने होंगे राहिल,
एक छक्का और एक चौका लगाकर खेल रहे हैं राहिल। चले मेहजाद और इसको भी उठाकर मारना चाहते थे, स्लो बॉल थी जिसको समझ नहीं पाए। अच्छी वापसी यहाँ पर चौका खाने के बाद मेहजाद की। ओके भाई, जैसा विकेट आराम से लगा देगा भाई 50। और राहिल ने उठाकर मारा है गेंद काफी ऊंची और इतनी ही दूर फेंक दिया है गेंद को राहिल ने। राहिल के बल्ले से निकलता हुआ यह दूसरा छक्का और पब्लिक काफी इंजॉय करते हुए आप देख सकते हैं। आते ही ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर रहे हैं राहिल और उनका साथ दे रहे हैं नौशाद। एक बार फिर से मेहजाद, सामने होंगे राहिल और फिर से राहिल ने उठाकर मारा है, फिर से 6 रन। राहिल के बल्ले से निकलता हुआ यह तीसरा छक्का और इन्हीं इसी 6 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंचा है 110 रन। इनिंग का 8वां ओवर जारी, काफी अच्छी रन रेट लेकर चल रहे हैं राहिल और नौशाद। ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर रहे हैं दोनों, दो छक्के और दो चौके लगा चुके हैं राहिल। और अगर ये 200 रन तक टारगेट ले जाना है तो इन दोनों बल्लेबाजों को खड़ा रहना पड़ेगा पिच पे। और एक बार फिर से मेहजाद राहिल के लिए और फिर से गेंद को उड़ाना चाहते थे, बैट और बॉल का संपर्क नहीं। 1000 और डिब्बी मेरे नंबर पे डाल दो रेहान भाई, मेरे नंबर पे डाल दो, क्या मालूम बाद में तुम दे हो ना। चलो अभी स्ट्राइक पाएंगे तो कहूँगा रेहान भाई से मैं। एक बार फिर मेहजाद, सामने है राहिल और फिर से उड़ाना चाहते थे, बहुत तेज बल्ला चला रहे हैं राहिल। और अच्छी वापसी यहाँ मेहजाद की। सभी भाई वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करते रहें। ओके रेहान भाई बोल दूंगा, मजाक कर रहा था यार रेहान भाई, दिल पे ले गए तुम तो। एक बार फिर से मेहजाद, सामने हैं भाई दोनों टीमें यहाँ की हैं, खिलाड़ी सब बाहर के हैं। मेहजाद एक बार फिर से राहिल के लिए, ओ फिर से मारना चाहते थे और हल्की सी एज लेके थर्ड मैन के और 1 रन आसानी से। नौशाद भाई, रेहान भाई की तरफ से 1000 और एक डिब्बी, अगर 50 मारोगे तो हाथ हिला दो हाथ। एक बार फिर मसी और काफ़ी अच्छा शॉट राहिल के बल्ले से लॉन्ग ऑफ की दिशा में, 4 रनों के लिए गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर। राहिल के बल्ले से निकलता हुआ ये तीसरा चौका, काफ़ी अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं राहिल और नौशाद। इसी 4 रन की मदद से भाई अपने फ़ोन से क्वालिटी बढ़ा और सूरज बिल्कुल सामने से पड़ रहा है इसलिए थोड़ा धुंधला नज़र आ रहा होगा। एक बार फिर से मसी, दूसरी मरतबा राहिल के लिए और फिर से राहिल ने उठाकर मारा है, फिर से गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए। राहिल के बल्ले से निकलता हुआ ये तीसरा छक्का, बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं राहिल अपनी टीम के लिए, काफ़ी खतरनाक नज़र आ रहे हैं राहिल। और उतने ही महंगे साबित होते हुए यहाँ मसी, एक बार फिर से अपने ओवर में तीसरी मरतबा चले मसी, सामने है राहिल और काफ़ी ख़राब बॉल थी, इसको यकीनन बाउंड्री लाइन के पार फेंकना चाहिए था राहिल को।
बैट और बॉल का संपर्क नहीं हुआ। स्कोर अभी भी 122 रन। अरे वाइड नहीं है, वाइड तो नहीं है। अरे बल्ले लग गई है, टच है, बॉडी से टच है। एक बार फिर से मसी और फिर से खेल दिया है लॉन्ग ऑफ की दिशा पे, वहाँ पर फील्डर मौजूद और सिर्फ एक ही रन ले पाएंगे बल्लेबाज राहिल। इसी एक रन के साथ स्कोर हुआ 122। इनिंग का ये नवा ओवर है जिस पर अंजाम दे रहा है मसी। मसी सामने है नौशाद और उठाकर मारना चाहते थे नौशाद, बैट और बॉल का कोई संपर्क नहीं। स्कोर अभी भी 122 रन। इनिंग का ये नवा ओवर जारी है जिसको अंजाम दे रहा है मसी। एक बार फिर से मसी नौशाद के लिए और नौशाद ने खेल दिया है लॉन्ग ऑफ की दिशा में, बहुत लंबा छक्का मार दिया है ये और नौशाद के बल्ले से निकला ये पहला छक्का। इसी 6 रन के साथ स्कोर हुआ है 28 रन। मैंने पहले ही कहा है बहुत ख़तरनाक बल्लेबाज हैं भाई रेहान, नौशाद माफ़ कीजिए, बहुत ख़तरनाक बल्लेबाज हैं नौशाद। एक बार फिर से मेजाद इनिंग का 10वां ओवर अपने कोटे का 30वां ओवर लेकर आए और राहिल ने उठाकर मारा है, पीछे फील्डर मौजूद मसी और काफ़ी अच्छा कैच, बहुत ही अच्छा कैच पकड़ा है मसी ने, बहुत अच्छा कैच है ये, इस मैच का सबसे अच्छा कैच और राहिल के रूप में लगाई है 14 झटका साउथ अफ्रीका टीम को। और अब बल्लेबाजी करने आए हैं चार्सी टीम के कैप्टन हिलाल और काफ़ी अच्छा शॉट आते ही काफ़ी अच्छा शॉट खेल दिया है हिलाल ने और इसी एक रन के साथ अपना भी खाता खोला हिलाल ने और इसी एक रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंचा 125 रन। भाई मुझे नहीं पता यार, अगर हुआ तो मैं ज़रूर बताऊंगा आपको। एक बार फिर से मेजाद नौशाद के लिए और नौशाद ने फिर से उठाकर मार दिया है, पीछे फील्डर मौजूद और अच्छी फील्डिंग। और इसी एक रन के साथ स्कोर हुआ है 126। इनिंग का 10वां ओवर। एक बार फिर से मेजाद और फिर से काफ़ी अच्छा शॉट और काफ़ी समझबूझ से बल्लेबाजी करते हुए हिलाल। एक बार फिर से मेजाद सामने होंगे नौशाद और नौशाद ने फ्लिक कर दिया है बहुत लंबा छक्का और नौशाद के बल्ले से निकलता हुआ ये दूसरा छक्का। इसी 6 रनों की मदद से स्कोर हुआ है 133 रन। इनिंग का 10वां ओवर जिसको अंजाम दे रहा है मेहजाद। अगर ये नौशाद खड़े रहे तो बहुत लंबा स्कोर खड़ा कर देंगे अपनी टीम के लिए, लगभग 200 रन 16 ओवरों में आसानी से पहुंचा देंगे रेहान नौशाद। और फिर से अच्छा शॉट, सीधा शॉट और पीछे फील्डर मौजूद रेहान, अच्छी फील्डिंग, काफ़ी अच्छी बल्लेबाजी देखने को मिल रही है हमें दोनों ही बल्लेबाजों से, हिलाल और नौशाद। एक बार फिर से सलीम अपने कोटे का 30वां ओवर लेकर आए और एम्पायर का इशारा वाइड बॉल। इनिंग का 11वां ओवर अपने कोटे का 30वां ओवर लेकर आए सलीम, सामने हैं नौशाद, अच्छी बल्लेबाजी करते हुए नौशाद अपनी टीम के लिए 2 छक्के और 2 चौके लगा चुके हैं अब तक।
एक बार फिर सलीम नौशाद के लिए, और नौशाद ने खेल दिया है सीधा शॉट, बहुत ही अच्छा शॉट। विराट कोहली की याद दिलवा दी, जो कि पाकिस्तान के खिलाफ हारिस रऊफ पर मारा था, वैसा ही छक्का देखने को मिला हमें नौशाद के बल्ले से यहाँ। और इसी छह के साथ नौशाद के बल्ले से निकला यह तीसरा छक्का, इसी के साथ स्कोर बढ़कर पहुँचा है 147 रन। और फिर से उस गेंद को खोद के निकाल दिया है, सीधा शॉट है फिर से, और गेंद तेज़ी से बाउंड्री लाइन के बाहर, 4 रन। काफ़ी अच्छी बल्लेबाजी करते हुए नौशाद, कभी छक्का कभी चौका, लगभग 30 रन पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। और मैं बता दूं रेहान भाई, 1000 रुपये तैयार रखें, सिर्फ 20 रन चाहिए अर्धशतक में नौशाद को। 50 होते ही मेरे नंबर पे फ़ोन पे कर दें रेहान भाई। एक बार फिर से सलीम, ओ काफ़ी ख़राब बॉल थी, और नाखुश अपने आप से नौशाद। एक बार फिर से सलीम नौशाद के लिए, और फिर से अच्छी बॉल कहेंगे हम इसको, और डॉट बॉल, अच्छी वापसी यहाँ सलीम द्वारा। एक बार फिर सलीम नौशाद के लिए, और फिर से अच्छा शॉट, फिर से गेंद सीधा तैरती हुई बाउंड्री लाइन के बाहर, 6 रनों के लिए। नौशाद के बल्ले से निकलता हुआ ये चौथा छक्का, बहुत ही शानदार बल्लेबाजी कर रहे हैं नौशाद। हमने पहले ही कहा था अगर ये खड़े रहे तो बहुत लंबे स्कोर तक ले जाएंगे, बहुत जान है इनके बाजुओं में। गेंद को आसानी से बाउंड्री लाइन के पार फेंक देते हैं नौशाद अपने बल्ले से, और इस ओवर में दूसरा छक्का लगा दिया है, बहुत ही महंगे साबित होते हुए सलीम। एक बार फिर से सलीम नौशाद के लिए, और फिर से उठाकर मारा है, पीछे फील्डर मौजूद, और कैच आउट। अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, और कैच आउट होते हुए नौशाद, बहुत बड़ा झटका लगाया ये, और अपने अर्धशतक से 10 रन से चूक गए, वरना रेहान भाई को 1000 रुपये देने पड़ जाते। 6 विकेट के नुकसान पर स्कोर हुआ है 152 रन। इनिंग का 12वां और अपने कोटे का पहला ओवर लेकर आए रियाज, सामने होंगे एचआरसी टीम के कैप्टन मिस्टर हिलाल। 11 ओवर समाप्त हो चुके हैं। और काफ़ी ख़राब बॉल, एम्पायर का इशारा वाइड बॉल, इसी वाइड के साथ स्कोर बढ़कर पहुँचा 153 रन। इनिंग का ये 12वां ओवर जिसको हम अंजाम दे रहे हैं रियाज। एक बार फिर रियाज, साउथ अफ्रीका अपनी टीम के लिए कहां तक चांस बाहर स्कोर कर सकती है, एक रन चुरा लिया है आंखों आंखों में, और इसी एक रन के साथ स्कोर हुआ 154 रन हो चुके हैं 6 विकेट के नुकसान पर, और 12 ओवर की गति पर है। अब देखना होगा साउथ अफ्रीका कितने अपने 200 का आंकड़ा पार करती है। आज का मैच सुल्तानपुर नायक, अच्छे बॉल, और काफ़ी पटकी हुई बॉल फेंक रहे हैं, और एम्पायर का इशारा नो बॉल। देखते हैं कितना फ़ायदा उठाते हैं फ्री हिट का बल्लेबाज, देखते हैं फ्री हिट का कितना फ़ायदा उठाते हैं बल्लेबाज। एक बार फिर से रियाज, और फुल टॉस बॉल थी, काफ़ी तेज़ बॉल थी ये, सिर्फ एक ही रन मिल पाएगा, इसी एक रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंचा 156 रन। 12 ओवर चलता हुआ 12वें ओवर की दूसरी बॉल, 12वें ओवर की तीसरी बॉल, अच्छी बॉल सेंटर भाग रहे हैं, अब देखना होगा एक रन बनाते हैं या एक रन ही बना रहे हैं, एक रन बनेगा, स्कोर हो गया 157 रन। कैबिन के नुकसान पर और फिर से नो बॉल, काफी शॉर्ट ऑफ लाइन बॉल फेंक रहे हैं ये,
नौ बॉल पर नौ बॉल कर रहे हैं, फ्री हिट है, देखते हैं कितना फायदा उठाता है बल्लेबाज। ये फ्री हिट है, फ्री हिट का फायदा उठाते हैं और काफी दूर फेंक दिया है इस फ्री हिट बॉल को, बहुत ही दूर फेंक दिया है इस फ्री हिट बॉल को 6 रनों के लिए। इसी 6 के साथ स्कोर बढ़कर पहुंचा है 164। फ्री हिट को काफी लंबा छक्का फेंका है फ्री हिट पर बल्लेबाज ने, एक बार फिर से रियाज और फिर से छोटी बॉल थी, उसको मारना चाहते थे पर बैट और बॉल का कोई संपर्क नहीं। और काफी अच्छा शॉट और गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर, 4 रन मिलेंगे, इसी 4 रन के साथ ओवर हो गया, स्कोर हुआ है 170 रन इनिंग का ये 12वां ओवर। एक बार फिर से मेजाद अपने कोटे का 4th ओवर लेकर आए, मेजाद इनिंग का 13वां ओवर और हिलाल ने आसानी से सिंगल लिया। हेलो इस्लामाबाद क्रिकेट स्टेडियम दरियान के इस क्रिकेट टूर्नामेंट का एक सदस्य 5वां मुकाबला जो सुल्तानपुर क्रिकेट क्लब लोधीपुरा और साउथ अफ्रीका क्रिकेट क्लब दरियान के बीच इसी अच्छी जगह उसको खेल दिया है। जब तक खिलाड़ी गेंद को फिर करते गेंद की रिकॉर्ड लाइन से बाहर, 4 रन, इसी 4 रनों के साथ स्कोर बढ़कर के जा पहुंचा 173 रन। मेजाज चले एम्पायर को क्रॉस किया, उनकी ये गेंद अच्छी गेंद, उससे खेलना चाहते थे लेकिन गेंद सीधे पैच से जा टकराई और जब तक खिलाड़ी गेंद को फील्ड करते कोई रन लेने का मौका नहीं, स्कोर अभी भी 173 रन। एक बार फिर अपने सीधे बॉलिंग मार्ग पर इसे सामना करेंगे साउथ अफ्रीका क्रिकेट जो बैन स्ट्राइक संभाले हुए हैं। ये गेंद अच्छी गेंद उठाकर मारने की कोशिश, अंदर आने मत मारे मत मारे, एक अच्छी दौड़ आसानी के साथ एक रन को पूरा किया और इसी एक रन के साथ स्कोर बढ़कर के जा पहुंचा है 173 रन 6 विकेट के नुकसान पर, जबकि पारी का 13वां ओवर समाप्त, 5 ओवर लेकर के और पारी के लिए 14वां ओवर लेकर के इसे सामना करेंगे मैन स्ट्राइक संभाले हुए। तो रियाज चले एम्पायर को क्रॉस किया, उनकी अच्छी याद उसको सीधा उठाकर खेल दिया है खिलाड़ी द्वारा, गेंद को मिसफील्ड किया गया, जब तक खिलाड़ी गेंद को फुल करते आसानी से गेंद सीधी बाउंड्री लाइन से बाहर 4 रनों के लिए और इसी चौके की मदद से स्कोर बढ़कर के जा पहुंचा 180 रन। इनिंग का 14वां ओवर जिसको अंजाम दे रहे हैं रेहान, स्कोर हुआ 180 रन। दोबारा से काउंट करके बता रहे हैं 178 रन, सॉरी 178 रन, माफ कीजिएगा 178 रन हुए। एक बार फिर तैयार अपने बॉलिंग मार्क पर रियान, एक बार फिर चले एम्पायर को क्रॉस किया, उनकी
अच्छी गया फिर सीधा फिर तरीके से खेल दिया गया जब खिलाड़ी फील्ड करते आसानी से एक रन पूरा किया। दूसरा रन लेना चाहते हैं पूरा भी करते हुए वहां पर अच्छी दिक्कतों के बीच दौड़ दोनों ही बल्लेबाजों के बीच एक अच्छी दौड़ देखने को मिली। इसी दो रनों के साथ सातवें एक एम्पायर द्वारा नो बॉल का इशारा इन्हीं तीन रनों के साथ ये नो बॉल है। देखते हैं फ्रीड का कितना फायदा उठाते हैं बल्लेबाज और ये फ्रीड यहाँ पर होगी और देख रहे हैं कितना फायदा उठाते हैं बल्लेबाज और फ्रीड को फेंक दिया है। पीछे फील्डर मौजूद हैं और चार रन सीमा रेखा से बाहर चार रनों के लिए चार रनों के साथ स्कोर बंद करके 185 रन। यहाँ पर हमारे कमेटी में साउथ अफ्रीका क्रिकेट क्लब तैयार की गई रियान इसी भी जनता को क्रॉस किया उनकी गेंद उठाकर मारने की कोशिश लेकिन गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं जाने दिया विकेट कीपर के दस्तानों में और दोहरे ही तरीके से स्कोर अभी भी 185 रन। और फिर से काफी अच्छा शॉट और गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रन बहुत अच्छा शॉट था ये। इसी 6 रन के साथ स्कोर हुआ 191 रन। इनिंग का ये 14वां ओवर जारी स्कोर हुआ 191 और इनाम की बौछार यहाँ बल्लेबाज के ऊपर। और मैं कुछ बातें अपनी आज करना चाहूंगा यहाँ पर और काफी अच्छी बॉल रेहान की जो कमेटी के ऊपर जो दबाव बनाया जा रहा है और बॉल्ड कर दिया अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे बल्लेबाज। ये कोई भी टीम कमेटी की तरफ से ये आदेश है अगर कमेटी कहेगी एक खिलाड़ी खिलाना है हर वीक का तो एक ही खेलेगा अगर कमेटी कहेगी दो खिलाने हैं तो दो ही खेलेंगे अगर कमेटी कहेगी तीन खिलाने हैं तो तीन ही खेलेंगे ये कमेटी के नियम मान्य होंगे। कोई भी टीम हर वीक टीम कमेटी के ऊपर कोई भी प्रेशर नहीं बनाएगी लेकिन फीट हुए और एम्पायर का इशारा भाई को भी ना दिखाई दे दिया कि हम ये लगे यार कोई टीम का स्कोर 196 रन 7 विकेट के नुकसान पर। ये भाई साहब तो ऐसे सिंगल विकेट से भी आए 15वां ओवर दौड़ना शुरू किया एम्पायर को पार किया गेंद को घुमा के खेल दिया गेंद जा रही है सीधी बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रन संभल के आज सबसे बड़ी टीम जो से कैप्टन है ये नया चार सी जो है फिलहाल के बल्ले से निकलता हुआ ये पहला छक्का काफी अच्छे बल्लेबाज हमने पहले ही कहा है चार सी टीम के कैप्टन है मिस्टर हिलाल। एक बार फिर से सलीम और फिर से एक पुल कर दिया है कैन बाउंड्री लाइन के बाहर और एम्पायर का इशारा 4 रन काफी अच्छी बल्लेबाजी करते हुए हैं हिलाल। और स्कोर 200 के पार पहुंच चुका है और फिर से उठाकर मारना चाहते थे सिर्फ एक ही रन मिल पाएगा एक रन मिलेगा 207 रन हो चुके हैं इनिंग का ये 15वां ओवर है 207 रन बहुत बड़ा लक्ष्य हो चुका है। इसके बाद एक ओवर और बाकी है इनिंग का 16 ओवर का ये मैच है 207 रन हो चुके हैं अब तक। चले सलीम सलमान के लिए और फिर से अच्छा शॉट और इसी एक रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंचा 108 रन हो चुके हैं 208 रन हो चुके
इसके बाद एक ओवर बाकी है। अब देखना होगा साउथ अफ्रीका खिलाड़ी कहाँ बन जाते हैं, उड़ा करके उसके पीछे खिलाड़ी है, एक रन बनता है, दो रन बनते हैं, एक रन से संतुलन करना पड़ेगा साउथ अफ्रीका को। बढ़कर स्कोर हो चुका है 209 रन, 7 विकेट गिर चुके हैं साउथ अफ्रीका के, 7 विकेट टिकट गिर चुके हैं साउथ अफ्रीका के, 209 रन उड़ाकर खेला था चाहते थे और 4 रन दिखाई नहीं दे रहा दर्शक की वजह से। स्कोर बढ़कर पहुंचा इसी 4 रन के साथ 213 रन, 15 ओवर के बाद स्कोर हुआ है 213 रन, 7 विकेट के नुकसान पर साउथ अफ्रीका का। इनिंग का 16वां और इनिंग का लास्ट ओवर लेकर आए हैं मसी, स्कोर हुआ है 213 रन 7 विकेट के नुकसान पर। काफ़ी अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं हिलाल, जो कि HRC टीम के कैप्टन है हिलाल। और यहाँ पर ये लास्ट ओवर मौजूद है 213 रन, पार किया लेकिन और हिलाल ने मारा है उठाकर, काफी अच्छा प्रयास करा रेहान ने कैच पकड़ने का और 4 रनों के लिए हाथ से निकल गई बॉल। इसी 4 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंचा 217 रन इनिंग का ये लास्ट ओवर 16वां ओवर। काफी अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं हिलाल, टीम का स्कोर 217 रन, 7 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं और लास्ट ओवर यहां पर मौजूद है 16वां ओवर। दौड़ना शुरू किया, एम्पायर को पार किया लेकिन इस गेंद पर फिर उसी अंदर में घुमा के गेंद दिया है, गेंद आ रही है लॉन्ग बॉल सीमा रह गई और 6 रन के लिए ये BSNL सिक्सर कमेंट्री इंडिया टेंडेंडेंडें। बहुत आनंद लेते हुए यहाँ पर हिलाल के बल्ले से निकला यह दूसरा छक्का, स्कोर बढ़कर पहुंचा 223 रन, स्कोर हुआ है 223 रन। इनिंग का लास्ट ओवर, स्कोर बढ़कर पहुंचा है 223 रन। एक बार फिर से मसी सामने हिलाल, फिर से हिलाल ने खेल दिया है और गेंद फिर से बाउंड्री लाइन के बाहर, 4 रन। काफी अच्छी बल्लेबाजी कर रहा है हिलाल, स्कोर बढ़कर पहुंचा 227 रन। बल्लेबाजी करते हुए साउथ अफ्रीका के ऊपर काफी दबाव बना रखा है, सुल्तान क्रिकेट क्लब लास्ट ओवर चल रहा है, स्कोर हो चुका है 227 रन। अफ्रीका के बल्लेबाज दोनों ही बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए विकेट टू, अगर सुल्तान क्रिकेट क्लब को अगर इस टूर्नामेंट में बने रहना है तो बेहतरीन गेंदबाजी करनी होगी। इसी दौड़ना शुरू किया, एम्पायर को पार किया और फिर से हिलाल ने उठाकर मारा है, फिर से गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर, फिर से 4 रन। इस ओवर में निकलता हुआ तीसरा चौका हिलाल के बल्ले से, काफी महंगा साबित होता हुआ ये वाला ओवर। बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं HRC के कप्तान मिस्टर हिलाल। दौड़ना शुरू किया, एक बार फिर से मसी सामने हिलाल लेकिन और फिर से हिलाल ने खेला है, फिर से छक्का, बहुत महंगा ओवर, बहुत महंगा ओवर। 33-6 स्कोर हुआ है 39 रन, लास्ट ओवर चल रहा है ये 239 रन हो चुके हैं इनिंग का, ये 16वां ओवर लास्ट ओवर है, 239 रन हो चुके हैं। हिलाल HRC के कप्तान बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं, इस बीच देखना होगा दोनों बल्लेबाज इस स्टेप पे तैयार हैं, उसी अंदाज में खेलेंगे क्या। इस बीच तोड़ना शुरू किया, एम्पायर को पार किया लेकिन और फिर से हिलाल ने मारा है, फिर से बहुत लंबा छक्का, बहुत ही महंगा साबित हुआ है और बहुत ही बुरा मारा है हिलाल ने इस ओवर में, बहुत बुरा मारा है भाई हिलाल ने इस ओवर में। 245 रनों का टारगेट दे दिया है, 245 रनों का पब्लिक ने खेल लिया है हिलाल को। ये 16 ओवर का मैच होगा, साउथ अफ्रीका ने 16 ओवर के खेल पर 245 रन बनाए हैं और सुल्तान क्रिकेट क्लब को 244 रन बनाने होंगे। मैं दोनों एम्पायर से कहूँगा इस मैच चालू कराए, जो दर्शक घर बैठे हैं, जो बाहर हैं, देश विदेश में हैं, तो इस टूर्नामेंट का लुत्फ उठा सकते हैं।
अपने मोबाइल की स्क्रीन पर, ये लाइव चल रहा है, जो भी दर्शक घर बैठे हैं। और जिसको इस अगर इस मैच को नीदरलैंड को मैच जीतना है तो 244 रन बनाने होंगे, बहुत बड़ा लक्ष्य है ये 16 ओवरों में, अगर ये मैच को अपने पक्ष में करना है तो। और साउथ अफ्रीका की ओर से पहला ओवर लेकर आए हैं फुरकान। ओवर की पहली गेंद, और एम्पायर का इशारा वाइट बॉल, इसी वाइट के साथ खाता खुलता हुआ नीदरलैंड का। ओवर की पहली गेंद, पहली बहुत ही शानदार बॉल फुरकान की, हम पहले ही बता रहे हैं बहुत अच्छे ऑलराउंडर हैं फुरकान, तेज रफ्तार से बॉल कराते हैं फुरकान। धीरे धीरे कदमों से चले फुरकान, एक बार फिर से, और फिर से अच्छी बॉल, एम्पायर का इशारा वाइड बॉल। चले धीरे धीरे कदमों से फुरकान, और अच्छी बॉल, पीछे फील्डर मौजूद सलमान, सिर्फ एक ही रन मिल पाएगा, इसी एक रन के साथ स्कोर हुआ है 2 रन 3 रन। और काफी अच्छी बॉल थी फुरकान की, बहुत ही अच्छी और कर बॉल थी ये फुरकान की, शानदार गेंदबाजी करा रहे हैं फुरकान, बिल्कुल ही समझ नहीं पाए रेहान। एक बार फिर फुरकान सामने है रेहान, और फिर से काफ़ी अच्छी और का लाइन बॉल, बहुत ही शानदार बॉल करा रहे हैं भाई फुरकान, बिल्कुल ब्लॉक हॉल में ही और कर फेंक रहे हैं फुरकान। स्कोर अभी भी 2 रन, इनिंग का ये पहला ओवर। काफी अच्छी बॉलिंग फुरकान द्वारा, एक बार फिर से फुरकान उठाकर खेला है पीछे फैजान, और कैच पकड़ लिया है, बहुत अच्छा कैच फुरकान का, माफ कीजिए फैजान का, और फुरकान को मिलती हुई है पहली सफलता। बहुत अच्छा कैच, और इनिंग का दूसरा और अपने गोटे का पहला ओवर लेकर आए सलमान, सामने है रेहान, और एम्पायर का इशारा वाइड बॉल। एक रन मिलेगा, मैं एक बार एक पूछना बता दो, जिसे कोई भी दर्शक घर इस मैच का लो कैसे रहेंगे फुरकान, कैसे रहेंगे देख सकते हैं, इसके रन का नाम है गेंदबाज से ऑफिसर, अपना मोबाइल खोलें सीधा के साथ देख सकते हैं, और खेल दिया है लेग साइड की दिशा में, और अच्छी फील्डिंग राहिल द्वारा, सिर्फ एक ही रन मिल पाएगा, इसी एक रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंचा है 5 रन इनिंग का ये दूसरा ओवर, जिसको अंजाम दे रहे हैं सलमान। भाई यार ये पीछे करा लो, साउथ अफ्रीका वाले एक
एक बार फिर से सलमान और उठाकर मारा है 6 रन और ये पहला छक्का निकलता हुआ। वालेकुम अस्सलाम अरकान भाई। और इसी 6 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंचा है 12 रन। इनिंग का ये दूसरा ओवर, इसको अंजाम दे रहे हैं सलमान। भाई पहले आप तो चले जाओ यार, एक बार फिर से सलमान उठाकर मारना चाहते थे। बहुत अच्छी बॉल सलमान की, और फिर से उठाकर मारा है, पीछे फील्डर है संदीप और कैच ड्रॉप, लॉलीपॉप सा कैच था जिसको ड्रॉप कर दिया है संदीप ने। यकीनन बहुत बड़ा झटका होता अगर ये कैच पकड़ लेते संदीप। बहुत बड़ा लक्ष्य है वैसे 243 रनों का। जी भाई हिलाल भाई भी अच्छे रन किए, हिलाल भाई ने काफ़ी अच्छी बल्लेबाजी की है हिलाल भाई ने आज। एक बार फिर से सलमान, स्कोर हुआ है 16 रन। इनिंग का ये दूसरा ओवर, टारगेट चेस करना है 244 रनों का। और फिर से खेल दिया है लेग साइड की दिशा में रेहान ने, पीछे फील्डर मौजूद राहिल। और इसी एक के साथ स्कोर हुआ है 15। भाई वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करते रहो। और दूसरे ओवर की ये लास्ट बॉल जिसको अंजाम देंगे सलमान। और फिर से उठाकर मारा है और 6 रन, छक्का हो गया है। भाई संभल के, बस 2 खिलाड़ी आए हैं इसमें, हिलाल भाई और नौशाद भाई। हाँ अच्छी बॉल उठाकर मारना चाहते थे, 1 रन मिलेगा। संदीप भाई को थोड़ा सा 4 कदम इधर ले लो, दूसरी तरफ सुल्तान क्रिकेट क्लब की अच्छी बैटिंग करनी होगी, टूर्नामेंट में बाकी रहना है तो भाई। यार ये स्लिप खोल के पीछे आ तीसरा ओवर जिसको अंजाम दे रहे हैं फुरकान। स्कोर हुआ है 24 रन। शुरू से हीटिंग करनी होगी अगर ये मैच जीतना है तो, बहुत बड़ा टोटल है 244 रनों का। और फिर से अच्छी बॉल फुरकान की,
और कोई रन नहीं। एम्पायरों का फैसला अंतिम फैसला है, दोनों एम्पायरों से निवेदन है किसी के दबाव में ना आए भाई, और गेंदे चेक करते रहे बीच बीच में, गेंदों पर निशान लगा हुए हैं, आईसीसी ने अपना निशान लगा के दिया भाई। और फिर से अच्छी और कर, काफी और कर गेंद करा रहे हैं फुरकान। 3 ओवर के बाद स्कोर हुआ है 25 रन 1 विकेट के नुकसान पर नीदरलैंड का। कोई नहीं, बॉल अच्छी है, मेहनत से करेंगे। 26 एक विकेट के नुकसान पर 3 ओवर की समाप्ति हो चुकी है, 200 ओवर प्रगति पर है। 3 ओवर के बाद स्कोर है 26 रन, अगर ये मैच जीतना है तो 244 रन का टारगेट चेस करना होगा 16 ओवरों में। और फिर से उठाकर मारा है लॉन्ग ऑफ की दिशा पे, बहुत लंबा छक्का, और इस पारी का ये पहला छक्का है, बहुत बेहतरीन छक्का लगाया है जी भाई। कोहलू की तरफ देख सकते हैं आप, टारगेट और फिर से 4 रन, एक और चौका, इसी के साथ स्कोर बढ़कर पहुंचा है 40 रन। स्कोर बढ़कर पहुंचा है 40 रन, काफी पब्लिक है ग्राउंड के अंदर। और फिर से उठाकर मारा है, फिर से बहुत लंबा छक्का मार दिया है ये लॉन्ग ऑन की दिशा में, 6 रन, इसी 6 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंचा है 42 रन। स्कोर बढ़कर 42, चौथा ओवर प्रगति पर है, इनिंग का चौथा ओवर, स्कोर हो गया 42 रन। अच्छी बल्लेबाजी भाई, हेडमैन की तरफ से दर्शक खड़े हैं भाई, थोड़ा पीछे हो जाए भाई, ये बैट दे दो भाई, ये बैट दे दो नीदरलैंड आपका। अरे बाबू ये बैट नीदरलैंड भाई, भाई बॉल चपाट भाई, बाउंड्री के अंदर ना आए कोई भी, भाई गन्ने की बहुत शिकायत आ रही है, कोई भी गन्ना ना खाए भाई। और अच्छा शॉट रेहान का, और 6 रन, अभी भी 4 ओवर के बाद स्कोर हुआ है मगर कल 257 बने थे, एम्पायर का इशारा वाइड का है, सुल्तान की 50 पूरी हो चुकी है, अभी भी 194 रन पीछे है टारगेट से, 244 रन चलाने हैं, चाय के पैसे तो सब यही देखा, कमेंट्री बॉक्स में 105 दिए भैया, अभी 550 देखा, कोई नहीं बेटे कोई नहीं, करो मेहनत से करेंगे, शाबाश मेहनत से करेंगे बेटे। अरे स्टेडियम में दर्शक खचाखच भरा हुआ है, स्टेडियम 77 पानी पी रहे हैं भाई, पानी पिलाए भाई।
और फिर से उठाकर मारा है, बहुत लंबा छक्का है ये भी, बहुत लंबा छक्का है ये। बैट्समैन का नाम हमें पता नहीं है। फैजान भाई इनका नाम पूछियो, 19। एक अच्छी बल्लेबाजी, काफी अच्छे छक्के लगा रहा है मुन्ना, बहुत अच्छी हिटिंग कर रहा है मुन्ना अपने बल्ले से। और फिर से मारना चाहते थे, बैट और बॉल का कोई संपर्क नहीं। अफ्रीका को इस मैच में अगर बने रहना है तो उन्हें फिक्सर की बहुत सख्त जरूरत है, उनके गेंदबाजों को अच्छी गेंदबाजी करनी होगी। भाई ये सामने जो वाली खड़ी है हारिस भाई की, ये चूना का पीछा कर ले हारिस भाई, गाड़ी चूना का पीछा करे भाई। स्कोर अभी भी 62 रन इनका, 5। और फिर से मुन्ना ने मार दिया है लॉन्ग ऑन की दिशा में, फिर से 6 रन। इसी 6 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंचा है 68 रन। सुल्तान के बल्लेबाजों के लिए अच्छी बल्लेबाजी का मुजाहिरा करते हुए 5 ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 68 रन। 5 ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 68 रन। इनिंग का 6 ओवर, सामने होंगे रेहान। बॉलर है अर्शद, सामने होंगे रेहान। और फिर से कैच ड्रॉप कर दिया और कैच के साथ हुआ है ये 6 रन। कैच भी ड्रॉप किया और 6 रन भी कराए, स्कोर बढ़कर पहुंचा 74 रन। हमारे कमेंटेटर और कोई भी किसी का गन्ना ना खाए भाई, और कैच ड्रॉप लगातार, तो दूसरा कैच ड्रॉप और 6 रन भी हो गए हैं। बहुत खराब फील्डिंग कर रहे हैं भाई हैं, बहुत खराब फील्डिंग। रेहान का छक्का करा दिया, यकीनन कैच होना चाहिए था ये। एक और कैच छोड़ा और एक और छक्का करा दिया। लगातार इस ओवर में 3 कैच छोड़े हैं और 3 छक्के कराए हैं। बॉलर करे तो क्या करे, बिना वजह उसके खाते में इतने रन आ रहे हैं। और इसी 6 के साथ स्कोर बढ़कर पहुंचा 86 रन इनिंग का ये 6 ओवर। एक बार फिर अर्शद, सामने है रेहान। और बहुत अच्छा शॉट मार दिया है रेहान ने, बहुत लंबा छक्का, इस मैच का ये सबसे लंबा छक्का है। और जोधपुरा की जो टीम है वो बहुत अच्छी बैटिंग का मुजाहिरा है इस ओवर में। और अभी से और को अभी चाहिए कि वो अच्छी लाइन को बॉलिंग करें
क्योंकि मैच हल्का हल्का उनके हाथों से निकल रहा है। एक बार फिर अर्शद सामने है रहा और एम्पायर का इशारा वाइड बॉल। स्कोर बढ़कर हो चुका है 93 रन दोनों ही एम्पायर से और इसी वाइड के साथ स्कोर बढ़कर 95 रन इनिंग का ये छठा ओवर। जो बॉल मार्क लगाकर दी गई है कमेटी के द्वारा उसी बॉल से ही मैच हो। हर ओवर के बाद दोनों ही अंपायर बॉल चेक कर लें। अगली बॉल लेकर बॉलर तैयार, हल्के हल्के कदमों से दौड़ना शुरू किया और ये बॉल और बहुत ही शानदार बॉल, पूरे तीनों स्टम्प उखाड़ के रख दिए हैं अर्शद ने रेहान के। बहुत ही शानदार बॉल थी ये और क्लीन बॉल्ड हो गए बैट्समैन। बहुत ही अच्छी बॉल थी ये और ये दूसरा झटका लगा नीदरलैंड्स को। स्कोर हो चुका है 5 बोले हुए हैं 6 ओवर के बाद, छठा ओवर चल रहा है। स्कोर हुआ है 94 रन, टारगेट चेस करना है 244 रनों का और रेहान के बाद अब बल्लेबाजी करना है सानिब। कमेटी की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद और जैसा कि हर मैच में यहाँ पे देखने को मिल रहा है, मैं हर मैच में मिल रहा है और मैन ऑफ द सीरीज भी मिलेगा। अगली बॉल लेकर बॉलर तैयार लेफ्टी के लिए, काफी बाहर ऑफिसन की लाइन से जिसको एम्पायर अफजल नेताजी ने वाइड करार दिया, जो कि बहुत ही अच्छे बॉलर माने जाते थे अपने जमाने में और काफी इन्होंने क्रिकेट खेली है। ओवर की आखिरी बॉल लेकर बॉलर तैयार और ये बॉल भी ऑफ साइड के बाहर थी जिसको मार दिया है मिड ऑफ की तरफ। फिल्डर बॉल के पीछे एक रन से ही संतुष्ट होना पड़ेगा। इस ओवर में एक सफलता मिली लेकिन काफी रन खर्च किए मिस फील्ड की वजह से। अगर दरियाल को इस मैच में बने रहना है तो उन्हें इनिंग का 7वां और अपने कोटे का पहला ओवर लाएं राहिल सॉरी भाई, एक आदमी यहाँ पर आ जाए जो हमें नाम वगैरह बता दें क्योंकि इतनी दूर से तो नहीं दिखेगा ना। राहिल ओवर की पहली बॉल लेकर तैयार, हल्के हल्के कदमों से दौड़ना शुरू किया। लेग साइड में ये बॉल डाली गई थी जिसको खेल दिया है स्क्वायर लेग एम्पायर की तरफ। दो फिल्डर बॉल के पीछे बॉल को पकड़ा और कीपर के दास्तानों में। अभी स्कोर हो चुका है 96 रन 2 विकेट के नुकसान पर। बॉलर अपने रनिंग मार्क पर जाते हुए दूसरी बॉल के लिए हल्के हल्के कदमों से दौड़ना शुरू किया और ये बॉल जो कि ऑफ साइड की बॉल थी जिसको मार दिया है और बहुत अच्छा छक्का ये मुन्ना के बल्ले से। मैं बता दूं मुन्ना 60 रन पे बल्लेबाजी कर रहे हैं, बहुत अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं मुन्ना की तरफ से और अभी वो इस मैच में बने हुए हैं क्योंकि काफी अच्छी बैटिंग अभी तक हो रही है। इसी 6 रन के साथ 100 रन पूरे होते हुए जीत के लिए अभी भी 144 रन चाहिए। इस मैच को जीतने के लिए अगली बॉल लेकर बॉलर तैयार जिसको मारना चाहते थे मिड विकेट की तरफ लेकिन बॉल से बल्ले का कोई संपर्क नहीं। बॉल कीपर के दास्तानों में और वापस बॉलर के पास। अगली बॉल लेकर राहिल तैयार और ये बॉल भी जिसको मिड विकेट के ऊपर से मारना चाहते थे बॉल और बल्ले का कोई संपर्क नहीं और बॉल कीपर के दास्तानों में। बहुत ही अच्छा ओवर जाता हुआ ये दरियाल की तरफ से, इसी तरह की बॉलिंग करनी होगी अगर इस मैच में बने रहना है। ये काफी किफायती ओवर अभी तक जाता हुआ, इसी तरह की बॉलिंग करनी होगी अगर इस मैच को जीतना है। हल्के हल्के कदमों से दौड़ना शुरू किया, एम्पायर को पार किया और ये बॉल जिसको उठाकर मार दिया है मिड ऑन और मिड विकेट के बीच में। फील्डर बॉल के पीछे एक ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। अभी तक जो ये ओवर है वो बहुत ही अच्छा ओवर जाता हुआ और टीम का स्कोर हो चुका है लोधीपुरा का 103 रन 2 विकेट के नुकसान पर। ये 7वां ओवर प्रगति पर है। लोधीपुरा को 244 रन बनाने होंगे अगर ये मैच जीतना है और इस टूर्नामेंट में बने रहना है तो।
अगली बॉल बॉलर लेकर तैयार, हल्के हल्के कदमों से दौड़ना शुरू किया। ये बॉल ऑफिस रूम के बाहर थी जिसको मार दिया है, इसका एक अंपायर की तरफ फील्डर बॉल के पीछे एक ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। काफी अच्छी फील्डिंग, अब मिसफील्ड, यहाँ पे कीपर बॉल को कलेक्ट नहीं कर पाए ठीक ढंग से, एम्पायर का इशारा दो रन। सातवां ओवर खत्म हो चुका है, सात ओवर के बाद 105 रन दो विकेट, सात ओवर के बाद स्कोर हुआ है 105 रन दो विकेट के नुकसान पर मैदान पर नीदरलैंड टीम का। अभी भी जीत के लिए 140 रन चाहिए, सात ओवर समाप्त हो चुके हैं। हमें देखने के लिए मिली है आठवां ओवर ही, आठवां ओवर है ना इनिंग का, आठवां ओवर अपने कोटे का। तीसरा ओवर लेकर आए फुरकान, अब तक काफी अच्छी गेंदबाजी की है फुरकान ने, हल्के हल्के कदमों से दौड़ना शुरू किया और बहुत अच्छी बॉल थी भाई, ये भी जिसको मारना चाहते थे, सबसे अच्छी बॉल इन्होंने ही की अब तक फुरकान ने इस मैच में। भाई ये मैच है 16 ओवर का, टारगेट चेस करना 244 रनों का। तैयार हल्के हल्के कदमों से दौड़ना शुरू किया और ये बॉल लेग स्टंप के लाइन की बॉल थी जिसको मारना चाहते थे स्क्वायर लेग अंपायर के ऊपर से, लेकिन बल्ले और बॉल का कोई संपर्क नहीं, अंपायर का इशारा वाइड। और फिर से अच्छी बॉल फुरकान की, काफी शानदार गेंदबाजी करा रहे हैं फुरकान। बैट का कोई संपर्क नहीं, बॉल अंपायर के दास्तानों, कीपर के दास्तानों में, और बहुत ही अच्छा ओवर जाता हुआ ये घड़ियाल की तरफ से। अभी तक कोई भी रन नहीं आया है और दो बॉल हो चुकी है, एक वाइड का रन आया है, बैट से भी कोई भी रन नहीं आया इस ओवर में। भाई जीत के लिए अभी 135 रन चाहिए। अगली बॉल लेकर बॉलर तैयार, हल्के हल्के कदमों से दौड़ना शुरू किया और ये बॉल जिसको आगे मार दिया है मिड ऑन की तरफ लेकर बॉल के पीछे, और ये बहुत ही शानदार फील्डिंग वहाँ कप्तान हिलाल एचआरसी टीम के, बहुत शानदार फील्डिंग देखने को मिली हमें। यहाँ से दिख नहीं रहा भाई कुछ भी, नहीं दिख रहा कुछ, नहीं दिख रहा, यहाँ से कुछ नहीं दिख रहा हमें। कैच छूट चुका है ये बैट्समैन का और बहुत ही खराब फील्डिंग का मुजाहिरा यहाँ पे, और एम्पायर का इशारा एक रन। घड़ियाल को बहुत अच्छी फील्डिंग करनी होगी और इस मैच को जीतना है तो। अगली बॉल लेकर बॉलर, और फिर से बहुत अच्छी बॉल फुरकान की, बैट और बॉल का कोई संपर्क, बहुत ही अच्छी बॉल करा रहे हैं फुरकान। अभी तक ये बहुत अच्छा इकलौते यही है इस मैच में जो अब तक काफी अच्छी गेंदबाजी देखने को मिली है हमें फुरकान के इस पहल से। टोटल चार कैच अभी ऑलरेडी छूट चुके हैं तो काफी खराब फील्डिंग का मुजाहिरा। अगली बॉल लेकर बॉलर तैयार, और इस बॉल को मार दिया है बाउंड्री लाइन के बाहर, एम्पायर का इशारा देखना होगा। चार रन, बहुत ही खूबसूरत शॉट ये बैट्समैन के द्वारा। आठवां ओवर चल रहा है, पांच बॉल हो गई आठवें ओवर की, ओवर की आखिरी बॉल लेकर बॉलर तैयार। पिछले दो ओवर में अच्छी खासी वापसी की है दड़ियाल के बॉलरों ने, और लोधीपुरा को अगर ये मैच जीतना है, पांच बॉलर हो गई पांच, और इस बॉल को भी मारना चाहते थे मिड विकेट की तरफ, लेकिन कोई भी रन नहीं। बहुत ही अच्छा ओवर जाता हुआ घड़ियाल के द्वारा जिसमें टोटल चुका है दो विकेट के इनिंग का नवा, और अपने कोटे का दूसरा ओवर लेकर आए राहिल, स्कोर हुआ है 109 रन
छह रन। कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। यहाँ पर अभी एम्पायर जाते हुए चेक करने जो भी दर्शक अगर मैदान के अंदर आएगा और इस तरीके का विवाद पैदा होगा तो फिर मैच रद्द कर दिया जाएगा और लोधी पूरी टीम को दे दिया जाएगा। दोनों टीमों को एक बार फिर राहिल सामने सानिब और सानिब ने उठाकर मारा है, बहुत ही लंबा छक्का है ये। साकेत चाचा गाड़ी वाले जा गए भी हैं, कमेंट्री बॉक्स में आ जाएं, अली भाई बुला रहे हैं उन्हें। साकेत चाचा गाड़ी वाले जा गए भी हैं, कमेंट्री बॉक्स में आ जाएं, अली भाई बुला रहे हैं। अरे भैया ये जो बॉर्डरों पर खड़े हैं सब पीछे हो जाओ, ये लड़ाई की फिलहाल हो रही है, स्टेप जगह हो जाओ, पीछे हो जाओ। काफी अच्छी वापसी राहिल द्वारा, बहुत शानदार वापसी की है राहिल ने छक्का खाने के बाद। नौ ओवर के बाद स्कोर हुआ 117 रन। जैद वारसी ऑफिशियल इनिंग का दसवां और अपने कोटे का दूसरा ओवर लेकर आया अरशद और काफी शानदार बॉल। भैया आओ बताइए मेरे दोस्तों, बहुत ही शानदार बॉल अरशद की। एम्पायर का इशारा फर्स्ट बाउंस, अगर ये अगली बॉल बाउंस करेंगे तो यकीनन नो बॉल दी जाएगी। वो एक बार फिर अरशद सामने मुन्ना और फिर से कैच ड्रॉप और रन भी नहीं लिया है मुन्ना ने, रन भी नहीं लिया मुन्ना ने। एक बार फिर अरशद और फिर से अच्छी बॉल और काफी अच्छी फील्डिंग वहाँ बल्लेबाज फील्डर राहिल की, बहुत अच्छी गेंदबाजी देखने को मिली हमें इन दो ओवरों में।
सिर्फ दो ही रन आए इस ओवर में भी, अभी भी जीत के लिए चाहिए 125 रन। इसके बाद बचते हैं 6 ओवर, 125 रन चाहिए। कमेटी की तरफ से ये ऐलान है कि एम्पायर के साथ कोई ना खड़ा हो। अगली बॉल लेकर बॉलर तैयार, हल्के हल्के कदमों से दौड़ना शुरू किया और ये बॉल जिसको और अच्छी बॉल फिर से, लेकिन बॉल गई है किनारा लेकर के कीपर के ऊपर से बैट्समैन के पास, सिर्फ एक ही रन मिल पाएगा। बहुत अच्छी बॉलिंग का मुजाहरा और लेंथ और लाइन पे बॉलिंग हुई है पिछले कुछ ओवर से, जिसकी वजह से जो स्कोर है वो इतनी तेजी से आगे नहीं बढ़ पाया है। काफी अच्छा मैच चल रहा है इस वक्त, ये अभी भी जीत के लिए 124 रन चाहिए। इसके बाद 6 ओवर बचते हैं, इस ग्राउंड पे कुछ भी हो जाता है, आराम से 100 रन बन जाते हैं 5 ओवरों में। अगली बॉल लेकर एक बार फिर अर्शद और फिर से बहुत लंबा छक्का मार दिया है मुन्ना ने, अकेले हैंड से डटे पड़े हैं मुन्ना, लगभग 70 या 80 रन पर बल्लेबाजी कर रहा है मुन्ना। जिसको भेज दिया है बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रन के लिए, और अब किसी भी तरह से जो है वो खेल नहीं रुकना चाहिए क्योंकि टाइम कम है और टीम का स्कोर हो चुका है 125 रन। एक बार फिर से अर्शद और इसी वाइट के साथ स्कोर बढ़कर पहुंचा 126 रन। काफी अच्छी कीपिंग का यहां पे मुजाहरा दिखाया कीपर ने, काफी बाहर जा रही थी लेग स्टंप के, स्कोर अभी भी 126 कलेक्ट किया और वापस बॉलर के पास। सभी भाई वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करते रहें। मैदान में आए हुए सभी दर्शकों का कमेटी की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। अगली बॉल एक बार फिर से अर्शद मुन्ना के लिए और बहुत अच्छी बॉल, सिर्फ एक रन ही मिल पाएगा। बैट और बॉल का कोई संपर्क नहीं, बाय का इशारा एम्पायर के द्वारा और 10 ओवर की समाप्ति पर स्कोर हुआ है 128 रन। जीत के लिए चाहिए 36 बॉलों में 117 रन और इनिंग का 11वां और अपने कोटे का 3rd ओवर लाए राहिल। अच्छी गेंदबाजी की है अब तक राहिल ने, 6 ओवरों में 117 रन बनाने होंगे इस ग्राउंड पे, आसानी से बन जाते हैं इतने रन इतने ओवर में। मुन्ना काफी अच्छी बल्लेबाजी कर रहा है 80 रन पर। बा फिर चले राहिल और बहुत ही शानदार बॉल राहिल की, देखने के लिए मिला है बॉलर के, बहुत ही अच्छी कटर फेंक रहे हैं राहिल। राहिल काफी चतुर बॉलर हमें नजर आ रहे हैं, पहली बॉल थी जो स्लोअर बॉल थी और बॉल को बैट्समैन कनेक्ट नहीं कर पाए और बॉल दी गई थी कीपर के दास्तानों में। राहिल अगली बॉल लेकर तैयार और ये बॉल जो ऑफसाइड के बाहर थी जिसको और फेंक दिया है फिर से मुन्ना ने, बहुत लंबा छक्का, बहुत ही लंबा छक्का है ये बैट्समैन की और जीत के लिए अभी भी चाहिए 111 रन 34 बॉलों में, कुछ भी हो जाता है इस ग्राउंड पे। बहुत अच्छी बल्लेबाजी कर रहा है मुन्ना, 86 रन पर बल्लेबाजी कर रहा है मुन्ना। एक बार फिर राहिल और फिर से एक और छक्का काफी अच्छी बल्लेबाजी करते हुए मुन्ना, बहुत ही गुस्से में नजर आ रहे हैं बल्लेबाज। अगली बॉल लेकर बॉलर तैयार, हल्के हल्के कदमों से दौड़ना शुरू किया और ये बॉल जिसको मारना चाहते थे मिड ऑन के ऊपर से, लेकिन बैट और बॉल का कोई संपर्क नहीं, बहुत अच्छी बॉलिंग का मुजाहरा और इस ओवर में 2 छक्के मुनाजिर लगा चुके हैं और घड़ियाल को काफी अच्छी बॉलिंग करनी होगी अगर यहाँ से मैच जीतना है, क्योंकि लोधीपुरा के पास अभी 8 विकेट बाकी है, अभी उनके 2 ही विकेट गए हैं और 10 ओवर से ज्यादा का मैच हो चुका है। अगली बॉल लेकर बॉलर तैयार, हल्के हल्के कदमों से दौड़ आउट और आउट हो गए मुन्ना, कीपर के दास्तानों में और एम्पायर का इशारा हो इसी तरह की बॉलिंग करनी होगी। बहुत अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे मुन्ना, लगभग 95 रन मार कर गए हैं मुन्ना। सभी भाई वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करते रहे और ये लगा 3rd झटका नीदरलैंड को। नाम बता दें, लोधीपुरा की तरफ से अपने बैट्समैन आए सलीम, आउट करने का तरीका यही था जमा होना।
टोटल 79 रन बनाकर आउट हुए हैं पिछले बैट्समैन। बहुत बढ़िया खेला भाई लड़के, पूरा मत मानिए, बहुत बढ़िया। टीम सामना करेंगे राहिल का। मुनाजिर ने 79 रन बनाए अपनी इनिंग में। अगली बॉल लेकर बॉलर तैयार सलीम के लिए, और अच्छी बॉल राहिल की। बॉल थी जिसको लेग साइड में मारना चाहते थे, बैट और बॉल का कोई संपर्क नहीं और एम्पायर का इशारा देखना होगा। बस बाय का रन था ये। ओवर की समाप्ति 11 ओवर के बाद स्कोर 141 रन, 11 ओवर के बाद स्कोर हुआ 141 रन। जीत के लिए अभी भी चाहिए 103 रन 5 ओवरों में। 30 बॉलों में 103 रन बनाने होंगे लोधी ग्रुप को अगर ये मैच जीतना है तो। सलीम सामना करेंगे इनिंग का बारम और अपने कोटे का। तीसरा ओवर लाए अर्शद। पहली बॉल ऑफ साइड के बाहर बॉल थी जिसको कट करना चाहते थे, बैट और बॉल का कोई खास संपर्क नहीं हो पाया, बॉल गई ये कीपर के पास, एक रन से ही संतुष्ट होना पड़ेगा। जो भैया पीछे दर्शक खड़े हैं हेडमैन एरिया में थोड़ा पीछे हो जाएं, अगर उनसे गेंद रुकेगी तो चौका नहीं मिल पाएगा। ये नियम हर बार में बताया जाता है और हर मैच में बतलाया जाता है, हर मैच में बतलाया जा रहा है, हर फेरे में बतला रहे हैं ये पीछे हट जाओ, अगर गेंद रुक गई तो बहुत अच्छा शॉट है भाई सानिप का, ये सानिप के बल्ले से निकला है ये दूसरा छक्का। दोनों ही बल्लेबाज पावर तोड़ बल्लेबाजी करते हुए साउथ अफ्रीका के ऊपर भारी पड़ते हुए इस भी दौड़ना शुरू किया। एम्पायर को पार किया लेकिन फिर गेंद को कट कर दिया है, उसके पीछे खिलाड़ी दौड़ रहे हैं, क्या रोका दे रहे हैं क्या, सिटी लॉन्ग और बॉडी लाइन से बाहर 4 रनों के लिए। एक और चौका, टीम का स्कोर 152 रन। 11 ओवर यहाँ पर हो चुके हैं और 3 विकेट हो चुके हैं। 12वां ओवर चल रहा है, बेहतरीन बल्लेबाजी होती है दोनों बल्लेबाजों की तरफ से। अगर इसमें साउथ अफ्रीका को इस टूर्नामेंट में बने रहना होगा तो बेहतरीन गेंदबाजी करनी होगी और विकेट लेना होंगे, ओपन होम स्टेप के बाहर ही गेंदबाजी करनी होगी, शॉर्ट पिच गेंदबाजी करेंगे, छक्कों पे छक्के भरेंगे। फील्ड घुमा दिया, गेंद को जा रही है लोगों की तरफ, उसके पीछे खिलाड़ी दौड़ रहे हैं, क्या रोका दे रही, और बेहतरीन फील्डिंग का मुजाहरा देखने को मिला। वहां पर एक ही रन मिल पाएगा। काफी अच्छी बैटिंग देखने को मिली इस ओवर में हमें सानिप के द्वारा, दो छक्के और एक चौका लगाया इस ओवर में। 4 ओवरों में जीत के लिए अभी भी चाहिए 85 रन। 4 ओवरों में 85 रन चाहिए, यहाँ पड़ जाते हैं रन, कुछ भी हो सकता है अभी भी इस मैच में। टीम का स्कोर 85 चाहिए, 4 में 85। 13वां ओवर चल गया, 13वां राहिल का लास्ट है, राहिल का लास्ट ओवर है ये, 13वां ओवर चल गया। ये 13वां
इसराइल ने तोड़ना शुरू किया, एम्पायर को पार किया बल्लेबाज के लिए, लेकिन बल्लेबाज ने गेंद को कट कर दिया है। उसके पीछे खिलाड़ी है उसको रोकने में कामयाब हुए, एक ही रन दोनों पर लोगों ने पूरा किया। बहुत बेहतरीन बल्लेबाजी देखने में को मिली है रुदीप भाई की तरफ से। फिर एक और छक्का, फिर से बहुत लंबा छक्का मारा है सानिम ने। सानिम अभी भी हार नहीं मान रहे हैं। इस्लामाबाद स्टेडियम में दर्शक लाखों की तादाद में बैठे हुए हैं, पूरा एंजॉय करते हुए यहाँ पर बेहतरीन बल्लेबाजी देखने को मिल रही है दोनों ही बल्लेबाजों के बीच में, फुल आनंद लेते हुए कमेंट्री बॉक्स का भी। टीम का स्कोर 168 रन, 13 ओवर हुए, एम्पायर ज्यादा नहीं रुके, बिल्कुल ज्यादा नहीं रुके, देर हो रही है। और हमारी कमेंट्री बॉक्स में आते हुए शमसुल इस्लाम, भाई मैच को देख रहे हैं, नमाज का भी ध्यान हो रहा है मगरिब की। बेहतरीन शॉट, एक और चौका। सानिब हार नहीं मान रहे हैं अभी तक। दूसरी का 172 जला रहे हैं, जला। तुम्हें भी देर होगी उसको, ये दे दो ना, देखो सही बोल दो, साथ देर हो रही, तुम्हें सही बोल दे दो यार। 172/3 एक ही बोल है क्या? एक हो गया, देखो क्या भाई, ये कमेंट्री बॉक्स में फालतू वाली बैठे हैं ना, बाहर निकालो तुरंत, बाहर निकालो कमेंट्री बॉक्स में। 172/3 है, चेक कर लियो सलीम भाई। जोधीपुरा की टीम फेंक दो इधर सलीम भाई, इधर फेंको। दोनों ही टीमों की तरफ से पुरजोर कोशिश है इस मैच को जीतने के लिए। अच्छी गेंदबाजी, अच्छी बल्लेबाजी, एक संघर्ष मुकाबला इस्लामाबाद के स्टेडियम में। अरे भैया सामने बैठ जा रहे हैं, कल इसके ग्राउंड में रस्सियां बांधेंगी सब तरफ से। हाँ कल रस्सियां बांधेंगे तो भाई। अच्छी गेंद, बहुत अच्छी बॉल, ये स्लो बॉल। 13 ओवर के बाद स्कोर हुआ है 172/3। 18 बॉलों में जीत के लिए चाहिए 72 रन इनिंग का। 14 और अपने कोटे का 3rd ओवर लाए हैं अरशद, 4th ओवर लाए हैं अरशद। 18 गेंद है, 72 रन की जरूरत है भाई। और अच्छी बॉल, बहुत बढ़िया गेंद, और पब्लिक ग्राउंड के अंदर ना आए किसी भी तरह से, किसी भी टीम की पब्लिक ग्राउंड के अंदर ना आए दोनों तरफ से, जब तक मैच की अंतिम गेंद में फिट जाए। क्योंकि ये क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है, क्रिकेट की तरह रंग बदल देता है, इसमें कहना कुछ भी असंभव नहीं है। इस क्रिकेट को अच्छी गेंदबाजी, और फिर से बहुत अच्छा छक्का सानिब का, 6 रनों के लिए बहुत अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं सानिब।
कुछ भी कहना संभव नहीं है। लोधीपुरा भी जीत सकता है, दलियाल भी जीत सकता है, कहीं भी जीत जा सकता है मैच। स्कोर हुआ 179 रन इनिंग का, ये 14वां ओवर चलता हुआ। काफी अच्छा मैच देखने को मिला है हमें अभी तक। एक बार फिर अर्शद सलीम के लिए, और फिर से सलीम ने मारा है उठा के, पीछे फील्डर हैं। एक रन बनाने का वहां पर मौका, 181 और इसी के साथ स्कोर बढ़कर पहुंचा 181 रन। अभी भी 63 रनों की जरूरत है, अभी भी 63 रनों की दरकार। कितनी बॉल बची थी, 13 बॉलों में अभी भी 63 रन की दरकार है। बारह बॉलों में अभी जीत के लिए चाहिए 63 रन। फुरकान के कोटे का ये लास्ट ओवर, एक रन से नहीं होगा भैया, होंगे 11 बॉलों में लगभग 11 ही छक्के चाहिए मैच जीतने के लिए। और फिर से फुरकान की अच्छी बॉल, अच्छी कराई है इसने बॉल। हार गए मैच सर, हो गया खत्म, छक्के लग के बढ़िया शॉट और 6 रन। और यहाँ पर दलियाल क्रिकेट क्लब को अगर इस टूर्नामेंट में बने रहना है तो गेंदबाजी बेहतरीन करनी होगी और फील्डिंग का मुझे अच्छा करना होगा। इसी तोड़ने शुरू किया एम्पायर को, बाहर खेला क्रिकेट को, फिर के मौके खेल दिया है, उसके पीछे खिलाड़ी घूम रहे हैं, एक ही रन भी पाएगा, आराम से फील्ड किया, बेहतरीन बल्लेबाजी होती है दोनों बल्लेबाजों के बीच में और टीम का स्कोर 189 रन। लगभग इस ये मैच हार ही गया है नीदरलैंड, बस औपचारिकता ही बाकी रह गई है। 7 बॉलों में अभी भी जीत के लिए 60 रन चाहिए, 7 बॉलों में जीत के लिए चाहिए 60 रन। भाई कोई भी दर्शक ग्राउंड के अंदर ना भागे बिल्कुल भी। और ये मैच लगभग हार गया है। कोई ना, बढ़िया यार, दर्शकों ने धीरे धीरे 190 रन
पंद्रह ओवर की समाप्ति के बाद छह बॉलों में 54 रन चाहिए, 6 बॉलों में 54 और 4 रन अब चाहिए, 5 बॉलों में 50 रन जीत के लिए। और ये लगभग मैच हार ही गया है नीदरलैंड। एक ही रंग मिलेगा वहां पर। और ये मैच त्रिपुरा के हाथों से धीरे धीरे निकलता हुआ, और दर्शकों ने भी अपनी जगह ले ली है। अब धीरे धीरे स्टेडियम की खिड़कियां जो है वो खाली होती हुई, और हार ही गया ये मैच नीदरलैंड। मैच निकल गया भाई, स्टेडियम में कुछ चेस्ट मिट गई है। पूरा मैच निकलता हुआ हाथों से भाई जान जी भाई, तो आ जाओ यार हमारा फाइनल में।